वेलकम टू माय चैनल। स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। आप सभी को मेरे और मेरे पूरे परिवार की तरफ से गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सो फ्रेंड्स, गणेश चतुर्थी है तो आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही सुंदर दिखने वाले, बहुत ही रंग बिरंगे मोदक की रेसिपी। बिना टाइम वेस्ट किए हम इसे झटपट बनाना शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, इन मोदक को बनाने के लिए ना तो मैं चाशनी को यूज करूंगी ना ही मावा यूज करूंगी। लेट्स स्टार्ट विद द रेसिपी। एक कढ़ाई में आधा कप या कटोरी पानी लेंगे, उसको गर्म करेंगे और गर्म होते ही उसमें हम डालेंगे एक चम्मच घी। सो फ्रेंड्स, अब आप देख सकते हैं घी और पानी अच्छे से मिल चुका है, गरम हो रहा है। अब हम इसके अंदर डालेंगे आधा कप या कटोरी चीनी, खांड, बूरा, आपके पास जो भी मीठा है आप इसे अच्छे से डालिए, हिलाते हुए डालिए ताकि इसके अंदर जो भी गांठ है या कुछ भी उसे आप अच्छे से मैश कर सकें। इसे अच्छे से गरम करेंगे। सो फ्रेंड्स, अब ये अच्छे से गरम हो रहा है। इस रेसिपी को बनाने के लिए आप कोई भी बर्तन यूज कर सकते हैं, बस वही बर्तन आपको थ्रू आउट रेसिपी एक ही रखना है। तो इसे अच्छे से हिलाएंगे। हिलाने के बाद अब हम इसमें डालेंगे एक कप मिल्क पाउडर। मिल्क पाउडर हम टोटल 1.5 कप डालेंगे, मगर इसे धीरे धीरे डालेंगे। अभी मैंने सिर्फ 1 कप मिल्क पाउडर डाला है और इसको अच्छे से चलाते हुए डाला है। अब मैंने आधा कप मिल्क पाउडर और मिला दिया है। ये देखिए, ये अब पूरा आधा कप मैंने मिल्क पाउडर मिला दिया है। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि मेरे पास आधा कटोरी मिल्क पाउडर बच गया है। आधे कप पानी के अंदर, एक चम्मच घी के अंदर 1.5 कप मिल्क पाउडर ही डलता है। आप इसे अच्छे से चारों तरफ से हिलाते हुए, अच्छे से मिक्स करते हुए मैं इसे गर्म करूंगी। कोई भी लम्स रहना नहीं चाहिए, अच्छे से मैश करना है हमें पूरे के पूरे मिल्क पाउडर मिक्सचर को। अच्छे तरीके से मिक्स हो चुका है, आप देख सकते हैं ये बहुत अच्छे से एक प्रॉपर मिक्सचर तैयार हो गया है और इसमें बहुत ही अच्छे तरीके से ये गर्म भी हो चुका है। सो फ्रेंड्स, हमारा मिल्क पाउडर मिक्सचर बिल्कुल तैयार हो गया है। मैंने इसे 4 कटोरियों में डिवाइड कर लिया है। चारों कटोरियों में मैंने इन्हें इसे डिफरेंट डिफरेंट फूड कलर्स डाल दिए हैं। एक में मैंने ग्रीन कलर डाला है जिसे मैं मिक्स कर रही हूँ। एक कटोरी में मैंने रेड कलर डाला है, एक कटोरी में मैंने येलो डाला है और एक कटोरी को मैंने प्लेन रखा है। ग्रीन वाले डो को मैं अपने हाथों से अच्छे तरीके से मल मल कर इसमें ग्रीन कलर को मिक्स कर रही हूँ। मुझे मोदक रंग बिरंगे चाहिए, इसीलिए मुझे फूड कलर तो डालना ही है। सो फ्रेंड्स, जैसे मैंने ग्रीन कलर को अच्छे से मिक्स किया है, उसी तरीके से मैं रेड कलर को भी डो के साथ अच्छे से मिक्स करूंगी। उसी तरीके से येलो कलर को मिक्स करूंगी और एक हम मैंने प्लेन कलर प्लेन रखा है, उसमें मैंने कोई कलर नहीं डाला, उसमें मैंने व्हाइट ही रखा है। इसी तरीके से आटे को अच्छे तरीके से मसलते हुए मैं मिक्स करूंगी हाथों के अंदर मलते हुए। देखिए कुछ इस तरीके से। अगर आपको यही मोदक ज्यादा क्वांटिटी में चाहिए होंगे तो आप इसके सारे इंग्रेडिएंट्स को डबल या ट्रिपल कर दें और आपके ये बढ़िया मोदक आप खुद तैयार कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, ये मिक्सचर रेडी हो चुके हैं। अब हम एक कटोरी के अंदर डेसिकेटेड कोकोनट 2 स्पून डालेंगे और उसके अंदर 1-1 चम्मच में ड्राई फ्रूट डालूंगी। ये ड्राई फ्रूट आप कोई भी अपनी मर्जी से डाल सकते हैं, जो भी आपके पास अवेलेबल हो। मैंने इसके अंदर बारीक कटा हुआ बादाम और पिस्ता डाला है। अब मैं इसके अंदर 1 चम्मच मिल्क पाउडर डालूंगी, 1 चम्मच चीनी डालेंगे और पूरे मिक्सचर को अच्छे से मिक्स करेंगे। और अब हम इसके अंदर डालेंगे 1 चम्मच दूध। दूध डालने से ये जो पूरा का पूरा मिक्सचर है आपस में जुड़ जाएगा, एक अच्छी बाइंडिंग हो जाएगी और इसको हम मोदक के अंदर फिल कर सकते हैं। और ये जो फीलिंग होगी ये मोदक के अंदर बहुत ही टेस्टी, बहुत ही लाजवाब टेस्ट में आती है और जब भी कोई खाएगा तो डेफिनेटली आपसे इन मोदक की रेसिपी जरूर पूछेगा।
सो फ्रेंड्स मैंने इसके अंदर एक चम्मच मिल्क पाउडर और डाला है, सो टोटल मैंने दो चम्मच मिल्क पाउडर इस मिक्सचर के अंदर डाल दिया है। ये बहुत अच्छे से अब मिक्स हो रहा है। आप चाहिए तो इसके अंदर कोई भी आपके पास अवेलेबल ड्राई फ्रूट आप डाल सकते हैं। आप इसके अंदर रेजिन्स, काजू, आप कुछ भी डाल सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब आप देख सकते हैं हमारे पास चार कलर के मिक्सचर तैयार हो चुके हैं। एक एक करके मैं सारे कलर के मिक्सचर्स को इक्वली पार्ट्स में डिवाइड करके उनकी बॉल्स बना रही हूँ। इन बॉल्स को बनाने का ये फायदा होगा कि जब इस मिक्सचर को मैं इस मिल्क पाउडर डो को जब मैं मोदक बनाने के लिए मोदक के जो मोल्ड होता है उसमें डालूंगी तो इजीली ये डल जाएगा, और जब इसे मैं डीप मोल्ड करूंगी तो वो एक साथ मिला हुआ आएगा जिससे हमारे मोदक दिखने में बहुत सुंदर लगेंगे। मैंने इसी तरीके से येलो कलर के डो को भी मैंने इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है और उसकी बॉल्स बना ली हैं। उसी तरीके से मैं ग्रीन वाला जो हमने डो बनाया था इसको भी हाथों में मसलते हुए इसकी बॉल्स बनाऊंगी। और ये देखिए इसी तरीके से मैं जो वाइट वाला जो पार्ट है इसके भी मैं बॉल्स बनाऊंगी। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि मैंने रेड, येलो, ग्रीन पार्ट को और वाइट वाले डो को भी इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करके छोटी छोटी बॉल्स में बना लिया है। अब मैं जो हमने फिलिंग तैयार करी थी मोदक के अंदर फिल करने के लिए ड्राई फ्रूट्स की, उसको भी मैं छोटी छोटी बॉल्स में कन्वर्ट कर रही हूँ। ये अब बिल्कुल रेडी है। मोदक मोल्ड को लेंगे और मोदक मोल्ड के अंदर अच्छे से घी को रब कर दिया है मैंने। घी को रब करने से हमारे मोदक बहुत ही अच्छे से बिना टूटे आराम से निकल जाएंगे। तो अब मैं स्टार्ट करती हूँ सबसे पहले व्हाइट वाले डो से। व्हाइट वाले डो को मैं लूँगी और सबसे पहले व्हाइट वाले डो को लेके मैं मोदक मोल्ड के अंदर डालूंगी और इसे अच्छे से दबाते हुए मोल्ड के अंदर भरूंगी। इस डो के भरने के बाद आप कोई भी कलर ले सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है क्योंकि मेरे मोदक रंग बिरंगे होंगे। सबसे पहला मैंने हमेशा व्हाइट कलर ही सारे मोदकों में यूज किया है। आप चाहें तो पूरा ही डिपेंड कर सकते हैं, आप जिस भी तरीके से जो भी कलर यूज करना चाहते हैं उस तरीके से आप इन मोदक को बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स अब मैं ग्रीन कलर के मिल्क पाउडर डो को उठाकर मोदक के अंदर अच्छे से कॉर्नर्स में प्रेस करते हुए इसे फिल करूंगी। मुझे थोड़ी सी जगह बीच में चाहिए और मैं डिफरेंट डिफरेंट कलर्स को मोदक के अंदर डालकर, मोदक मोल्ड के अंदर डालकर इसे कॉर्नर्स में दबाते हुए अच्छे से बनाऊंगी। देखिए मैंने इसके अंदर ऑलरेडी ग्रीन येलो कलर यूज़ कर लिया है और अब ये थोड़ी सी जो जगह इसके अंदर बची है इसके अंदर मैं ड्राई फ्रूट्स की जो फिलिंग हमने बनाई थी इसको मैं डालूंगी कि जितना आ सकता है उतना मैं डालूंगी। और अच्छे से डालने के बाद इसको प्रेस करते हुए अच्छे से अंदर से फिल कर देंगे और प्रेस करते हुए इसको बंद करूंगी। बाहर थोड़ा सा डो कम पड़ गया है तो मैं बाहर से अलग से डो लेकर इसको बाहर से बंद कर दूंगी। इसी तरीके से हम बाकी के सारे मोदकों को बनाएंगे। सभी मोदकों को हम एक डिफरेंट कलर से बनाएंगे और अच्छे से बनाने के बाद मैं इसे अब डीमोल्ड करके दिखाती हूँ आपको कि देखिए कितना सुंदर निकला है। ये देखिए, वाव, बिल्कुल लाजवाब है, बहुत ही सुंदर लग रहा है। मल्टी कलर्ड मोदक है और ये जैसे आप बनाएंगे हर कोई घर में आपकी तारीफ करेगा। थोड़ी सी शेप अगर आपको थोड़ी लगती है इधर उधर है तो आप अपने हाथ से ठीक कर सकते हैं। बाकी आप देखिए डिफरेंट कलर एक दूसरे के अंदर मिले हुए ये मोदक बाकी बहुत ही अट्रैक्टिव लग रहे हैं, बहुत ही सुंदर लग रहे हैं, शेप बहुत ही अच्छी आई है और ये खाने में बहुत लाजवाब है। तो फ्रेंड्स अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगती है, आपको ये मोदक बहुत पसंद आए तो आप इन्हें बनाइए और मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको एक मोदक कैसे लगे। आप इस रेसिपी को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी इस वीडियो देख